ये वतन मेरे वतन ट्रेलर आ चुके हैं एंड इसके 2-3 दिन पहले इसकी टीजर आया था कि ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं प्राइम वीडियो पे, तो देखते हैं कैसा है। पैट्रियोटिक का 5 फुल 2 अमेजन प्राइम। आई थिंक ओरिजिनल एंड लाइक इंस्पायर फ्रॉम ट्रू बेस इवेंट इंडियाज़, बहुत पुराने टाइप के लगते हैं। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। अंग्रेजों ने हमारे देश का कर दिया नाश, क्या देखेंगे। फिर से वही तरीके का जहाँ की 1950s के अराउंड जो इंडिया पे जुल्म हुआ था ब्रिटिश, या फिर इंडिया के अगेंस्ट जो ब्रिटिश रूल्स हुआ था उस टाइम पे, उसी को इसमें दिखाया गया है। इसमें उषा के कुछ बायोपिक लगता है, उनके बारे में जानने के लिए इस मूवी देखना पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं। सोचेंगे क्या बोलेंगे, सब कंट्रोल ओ किया जा रहा है और अब कंट्रोल 1940s हो रहे बॉम्बे, हैं। दूर दूर दर्द गांधी की जी को भी मार देखने को और मिला है। साहस के पंख फैला के ऊंचा, फ्रीडम अपने फाइटर पंख महात्मा फैलाने में गांधी, ही वीरता है। सही है। वो ए वतन मेरे वतन, उनके अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे लोग टाइप की हमारे मूवी तो यहाँ सिर्फ करण डेथ जौहर होगी, बनाते हैं, आप प्लीज सबको पता हमें ही होगा, हेल्प क्योंकि करिए। इससे पहले की जहाँ की सेरस अंग्रेजों ने आया ना था अंग्रेजों ने एंड ना राजी हमसे मूवी, सोचने लाइक समझने की शक्ति एटीट्यूड नहीं का है। फुल वाइब इसीलिए आता है आप कहते मूवीज हैं कि का। अंग्रेज नहीं तो कौन, क्यों, हम करोड़ों भारतीय हैं, हम चलाएंगे अपना देश, उखाड़ फेंकेंगे उन सबको जिनको लगता है कि वो भारत सारा अली चला रहे हैं। खान का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, इतना बढ़िया परसों से करेंगे परफॉर्मेंस, अंग्रेजों के झूठ का मुकाबला। मुझे झूठ का नशा सिर्फ तो शिष्टाचार से सिर्फ तोड़ा फीमेल जाता है। इससे साबित लगता है कि जहाँ की इससे पहले कि हम लोगों ने मूवीज देखी थी जहाँ की गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें डायरेक्शन किया था संजय लीला भंसाली ने, एंड उसकी जो परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़िया थी। एंड जिस टाइप की जहाँ की 1940s के अराउंड जो बॉम्बे में जो कांड हुआ था, जहाँ की थोड़ी पुराने तरीके के, जहाँ की अभी थे लगभग 70-80 साल पुराने चीज़ों को इसमें दिखाया गया है, जो उनके कैरेक्टर्स वाइज, जहाँ की उनकी जो कस्ट्यूम वाइज, उनके बोलने के तरीके, मुझे बहुत पसंद आया। एंड इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है इसमें कि जहाँ की सारा अली खान ने इस टाइप की परफॉर्मेंस पहली बार दिखाया है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है इस चीज़ को। आज तक के बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है सारा अली खान के ऊपर। कैसे म्यूजिक भी बढ़िया है हम मुझे खोलेंगे लगता है कि अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन चलाती है, इसका नाम ये उषा देश है। का रेडियो हिंदुस्तान में कहीं से, कहीं ब्रिटिश के तो अगेंस्ट हिंदुस्तान में रेडियो स्टेशन चला रही है एंड उसको ये ब्रिटिश रेडियो अंग्रेजों के खिलाफ हमारा सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। ब्रिटिश अगेंस्ट वीपन, आप बेस्ट लोग वीपन, आजादी के लिए बढ़िया क्या कर हथियार, रहे रेडियो हैं, जिस तरह जान से स्टेशंस दुश्मन को खबरें जीतना देना। पड़ रहा है। अब ये बहुत नहीं पैट्रोटी रुकेगी। का वाइब आता फाइट है यार। इट, डिस्ट्रॉय इट, हैंग दोज बिहाइंड इट। मारो हर डू और डाई आई विल फाइंड सिचुएशंस द हैज बीन रेडियो क्रिएटेड एंड द इन ट्रैकर्स 1940s बिहाइंड इट। अराउंड। मुझे क्या पता था सही होने का दम दर्द से चुकाना पड़ता है। अब ये यूनाइटेड रेडियो पूरे मुल्क की आवाज है। हमें अपने देश की गुलामी को तोड़ना होगा। All this must end. आप मुझे जान हर जिंदा रहते ये रेडियो बंद नहीं होने दूंगी। ये वतन मेरे वतन न्यू मूवी है, मार्च 21 को देखने को मिल सकता है इस मूवी को, जाके रेटिंग दिया यूए, आप सबको पता ही होगा। तो प्राइम वीडियो पे इसके ट्रेलर को रिलीज किया गया है ये वतन मेरे वतन नाम से, जहाँ के सारा अली खान की बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है आज तक की। तो आप सबको ट्रेलर कैसा लगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रिएक्शंस चैनल को यानी कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अपडेटेड वीडियोस ताकि मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।